गुड मॉर्निंग, दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ब्यूरो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ मानस जायसवाल और राजेश सतपुते। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं निर्मल बैंक के विकास सालों के और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फंडामेंटल्स पर बात करेंगे महबूब ईरानी से और टेक्निकल्स पर बात करेंगे सुशील केड़िया से। ये सब कुछ ही देर में। और ऑब्वियसली एक लिस्टिंग भी होनी है प्री ओपन में। पॉपुलर व्हीकल्स का जो लिस्टिंग प्राइस है वो थोड़ा सबड्यूड है। इशू भी जैसा हमने डिस्कस किया था, कोई बहुत ज़्यादा बम्पर रिस्पांस मिला नहीं था उसे, लेकिन अब देखते हैं मार्केट। लेकिन एक बार आप मार्केट लेकर आइए, अब निफ्टी 21900 तोड़ रहा है वीरू। आज जो सुबह हमारी चर्चा हो रही थी ना, आज सुबह मुझे फीलिंग आ रही थी कि अब मार्केट इस बार शायद 21900 तोड़ देगा, क्योंकि आप बार बार उसको टेस्ट कर रहे थे, 4-5 बार टेस्ट कर रहे थे और अब देखिए आप 21900 तोड़ने को तैयार हैं बिल्कुल। इनफैक्ट किसी भी समय पर 21900 टूट सकता है और इनफैक्ट एक बार के लिए इंटरडे में तो टूट भी चुका है वीरू। 21898 पर अब हम इस समय काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिस्टिंग होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 165 पॉइंट वीरू निफ्टी इस समय नीचे आ चुका है। 21890 पर अब हम ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है क्लियरली। अनुज, जैसे कि हम सुबह से बात करते हैं कि निफ्टी आईटी का पेन थोड़ा बढ़ता हुआ, जिसकी शुरुआत आज थीसिस ने करी, फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग, मिड कैप स्मॉल कैप, अगर हम वीकली पे 10 विमा को, जिसको हमने नवंबर से अब तक नहीं तोड़ा, या फिर 50 विमा को तोड़ें, तो जो ये टैड बुल लिक्विडेशन होता है, ये क्या डीप डाउनसाइड खो सकता है 21 मासों तक का? देखिए, मेरा सुबह मैंने एक वार्निंग दी थी कि मार्केट में थोड़ा संभल कर चलना है अभी, और बिल्कुल सेकंड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लास्ट 2 दिन से दिख रहा था और मैं इसके लिए एक चीज़ बार बार कह रहा था कि प्लीज़ पैसा मत खोइए इस मार्केट में, अपना पैसा बचा के रखिए और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए इस मार्केट में लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो करेक्शन है ना, ये पहले शुरू हुई है मिड कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक फेज़ करेक्शन का आया, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस तरीके के मूव्स मार्केट में आते हैं। अब अगर आप क्विकली 21900 को रीगेन करके उस ऊपर नहीं जाएंगे, अच्छा एक छोटा सपोर्ट 21800 पर भी है आपका 50 डेमा पर, लेकिन अगर नहीं रुके तो वो जो 21300-400 का जो एक 100 डेमा वाला एक व्यू बन रहा है, वो वहाँ पर भी अगर रुक जाएँ हम ना, तो एक अच्छी बात होगी मार्केट के लिए। मैं मतलब 200 डे मूविंग एवरेज की तो बात करना ही नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये बुल मार्केट है तो उसमें अभी इतने जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करेक्शन स्टार्ट हो गई है ब्रॉडर मार्केट में। तो ये करेक्शन ऑलरेडी, आप निफ्टी भले 21900 पर हो, ब्रॉडर मार्केट ना ऑलरेडी 20,000 की निफ्टी पर आ चुकी है, ये मान के चलिए। आप लोगों से पूछिए कि उनका पोर्टफोलियो कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे कि हमारा पोर्टफोलियो तो जब 20,000 निफ्टी था ना, वहाँ तक आ चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत पेन है जी। ये थोड़ा निफ्टी के टेक्सचर पर, सेटअप पर, ब्रेथ पर बात हो रही थी हमारी। हमारे साथ 10 का दमदार ट्रेड में इस वक्त 4 मेहमान मौजूद हैं टेक्निकल से बातचीत करने के लिए। मानस, राजेश पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर, और विकास सालू के, और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होते देखने मिल रहा, मुझे लगता है कॉनकॉर जो है अभी भी एक वीक साउंड कर रहा है यहाँ पे और वापस एक नए लो की तरफ वापस जा रहा है, जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 850 और 845 एक बेस बना चुका था, तो उसके वापस 850 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। कॉनकॉर यहाँ पे सेल कॉल रहेगा, नीचे में टारगेट 820 तक आ सकते हैं और ऊपर में जो स्टॉप लॉस है 860 के स्टॉप लॉस है, इसमें सेल कॉल लेके जाना चाहिए। दूसरा भी मेरा सेल कॉल ही रहेगा जहां पे है डॉक्टर रेड्डी, और डॉक्टर रेड्डी में भी मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 6100 के आसपास के टारगेट यहां पे वापस आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस निकल रहा है वो 6290 का है, तो 6290 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को सेल करना है, नीचे में 6100 के आसपास के टारगेट यहां पे आते हुए देखने। ओके, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है अब, और अब मार्केट क्लियरली 21900 के नीचे सेटल हो गया है। ऐसा नहीं हुआ कि बस एक बार के लिए गया, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर किए और वापस आ गया, अब सेटल हो रहा है ये 21900 के नीचे, और 10-15 मिनट दे लेते हैं इसको, लेकिन प्रॉब्लम तो है खैर यहाँ पर। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे निफ्टी का खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी यहाँ से और 100-150 पॉइंट का इमीडिएट फॉलो अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि आज के दिन में ही हमें फॉलो अप मूव देखने को मिल जाए। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड है, सबसे पहले बीपीसीएल
इस पर्टिकुलर काउंटर पे, यहाँ पे लगातार हमें ऊपरी स्तरों से लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकनेस यहाँ से और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। स्ट्रक्चर सारे ही ओएमसी स्टॉक्स का वीक है, तो बीपीसीएल में गिरावट गहरा सकती है। 569 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखना होगा 579 जो दिन के हाइएस्ट लेवल है वहां का, और लोअर साइड में 555, 555 और 550 तक के लेवल्स हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं जो दूसरा स्टॉक वीक साइड में ही यही स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर 2500 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और खराब है। निचले स्तरों पर 2080 और 2050 तक के लेवल हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आज के दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास 2180 के आसपास रख के बिकवाली करने की सलाह होगी। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे सेल है। मानस आपके दो ट्रेड्स? देखिए दो रिकमेंडेशन है, दोनों सेलर साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला तो सिप्ला में बिकवाली करनी है जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो सिप्ला के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 1476 के स्टॉप लॉस से 1400 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है एक्साइट इंडस्ट्रीज का, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स है तो शायद यहां पर गिरावट बढ़ेगी, तो एक्साइट के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 301 के स्टॉप लॉस से 282 के टारगेट के लिए। तो ये हो गई मानस जी की पिक्स। राजेश जी बताइए आपके पिक्स। अनुज जी देखिए दोनों सेल साइड के पिक रहेंगे। एक रहेगा वोल्टास, वोल्टास बेचे स्टॉप लॉस जो रहेगा 1060 का होगा और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीबन 1020 का होगा, 1020 से लेके 1000। दूसरा सेल कॉल जो रहेगा वो रहेगा कमिंस इंडिया। मुझे लगता है स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हो रहा है कमिंस का और जिस तरह से ये 2700 के नीचे ट्रेड हो रहा है, इसके बाद इसका जो सपोर्ट बनता है या आप कह सकते टारगेट है वो 2620 का रहेगा, 2620 से लेकर 2600, तो 2700 के नीचे कमिंस इंडिया को बेचे, स्टॉप लॉस रहेगा 2725 का। ओके, मार्केट अब देखिए, अब निफ्टी 21875, अब ये माना जाए कि 21900 के लो को तो हमने एक बार के लिए तोड़ दिया है यहाँ पर। और एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए, ये एक इंडेक्स है जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है, अभी तक कुछ होल्ड कर रहा था ये इंडेक्स लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ है। एक बार रिलायंस वापस लेकर आई, क्योंकि रिलायंस ने सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग की शुरुआत की थी मार्केट में, अब रिलायंस भी डे लो पर आ गया है। और एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन वापस देखते हैं जरा, क्योंकि TCS में जो हल्के से रिकवरी बन रही थी क्या वो फिजल आउट हो रही है नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट आपको दिखा देगी। नहीं ये हाँ, ये फिजल आउट हो रही है वापस। TCS फिर से अब टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, TCS और रिलायंस दो सबसे बड़े स्टॉक्स इंडियन मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उसके बाद L&T और इन्फोसिस यहाँ पर। अच्छा, एक एक दो सेल कॉल्स जो आई थी जहाँ पर एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं, एस्ट्रल लेकर आइए एक बार। एस्ट्रल में अब इस समय डेलो पर आपको काम काज दिखाई देगा, ये मानस की पिक थी FNO सुपरस्टार में। मानस एक बार इस ट्रेड को रिविजिट करें एस्ट्रल को। तो देखिए एस्ट्रल में बिकवाली करने का ट्रेड लिया था क्योंकि 100 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, तो यहाँ पर आई थिंक जो आपके पास शॉर्ट ट्रेड है उसको बिल्कुल होल्ड करिए, अब स्टॉप लॉस रिवाइज करना बेहतर रहेगा। आई थिंक एस्टल के फ्यूचर में अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। 1966 के मैंने स्टॉप लॉस एस्टल के लिए बोले थे, अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1941 पे रखिए, टारगेट वही 1900 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस टफ मार्केट को कैसे नेविगेट किया जाए ये समझ लेते हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ऐसी टफ मार्केट्स कई बार देखी है, मेहरबून ईरानी, इनसे बात करते हैं। मेहरबून जी गुड मॉर्निंग। एक जो नया पैसा है उसको थोड़ा शायद अब लग रहा होगा कि मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है, खैर लेकिन क्या करना है इस करेक्शन में? क्या ये करेक्शन अभी टेक्निकली शुरुआती हुई है या मिडिल फेज में है या हम करेक्शन के एंड फेज में है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? अनुज मैं इतना कहूंगा कि काफी बुलिश रहा हूं मैं। आई हैव बीन वोकल, आई हैव स्टेटेड इट ऑन योर चैनल क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। जब से मध्य प्रदेश राजस्थान का इलेक्शन वर्डिक्ट आया था मेरा कहना था कि वी विल सी एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, शायद जून जुलाई के आसपास आ सकता है। उसका मूल कारण था रिजल्ट इलेक्शन, मूल कारण था कि US फेड जो भी करने वाला है सेकंड हाफ में ही करेगा बिकॉज US इकोनॉमी इज डूइंग वेल, वेयर इज द नीड टू रिड्यूस रेट्स राइट नाउ। अ थर्ड था होपिंग दैट आफ्टर अ वेरी नॉट अ वेरी गुड मॉनसून होपफुली विल हैव अ डिसेंट मॉनसून। सो ये तीनों तीन फैक्टर का शायद एक्सप्लोसिव न्यू हाई देखेगा, ये मेरा पर्सनल मानना था। ये व्यू मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, बट सर्टन थिंग्स हैव हैपन इन द इंटरिम पीरियड।
डिस्पाइट स्टेटिंग दैट मैंने ऐसे भी कहा था कि 5 से 10% पुल बैक तभी भी आ सकता है और इसमें मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ऑलवेज फॉल्टर मोर. अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी हैज नॉट फॉलन बाय मोर देन 3-4% फ्रॉम द हाइज बट पोर्टफोलियोज हैव सफर्ड 5, 10, 15, 20, 30% बिकॉज मार्च हमेशा एक महीना रहा है जहाँ पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स फॉल्टर. आप पिछले 10-15 साल का डेटा निकाल दीजिए, ऑलवेज दे फॉल्टर. मेन कारण है एडवांस टैक्स और मेन कारण है टैक्स प्लानिंग. थोड़े लॉस बुक करो कि टैक्स कम भरना पड़े. मोस्ट इन्वेस्टर्स डू दैट. ये साल सेम हुआ लेकिन इस बार थोड़ी मोमेंटम ज़्यादा थी. नाउ ये मोमेंटम खत्म हुई कि नहीं इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्टेट अनुज. बट इसका एडवांस टैक्स और टैक्स प्लानिंग के अलावा इस महीने में 2-3 चीज हुए. एक है लेट्स बी ऑनेस्ट कि काफ़ी लूज मनी मार्केट में आया था. लूज मनी का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिट. जिसको भी देखो मार्केट में डालने के लिए पैसे उठाता था, 1 करोड़ देता था, 5-6 करोड़ की फंडिंग मिलती थी 8-10% पे एंड पीपल वर डूइंग दैट. एंड ऑनेस्टली दिस कैन टर्न आउट टू बी डेंजरस वन फाइन डे. RBI हैज राइटली ट्राइड टू प्लग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो थोड़ा सा फंड फ्लो थोड़ा ट्राई हो गया फ्रॉम दैट सोर्सेज. और रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे कहाँ डालते? काफ़ी सारे चालू स्टॉक्स में. चालू स्टॉक्स का मतलब विदाउट एनी फंडामेंटल पीपल बाय. रोज का सर्किट लगता है, मैं भी लेता हूँ. जब गिरता है स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं. दूसरा चीज़ जो मार्च महीने में हुआ वो सेबी का डिक्टेट ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड. ये फोरम नहीं है डिस्कस करना कि वेदर द टाइमिंग वॉज राइट, वाई द सिस्टम्स आर नॉट ऑलरेडी इन प्लेस. देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर एवरीथिंग एज फार एज डिस्कशन गोज. और तीसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू, जहाँ पे आई थिंक एक्साइटमेंट वॉज मोर देन वॉट वॉज पॉसिबली नीडेड. तो ये 3 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट, अपार्ट फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, ऑल प्लेड अ रोल के मार्च में जो हो रहा है वो. अभी आप देखो आगे चल के आई थिंक देर आर नॉट मैनी डोमेस्टिक ट्रिगर्स. आई थिंक August 10, August 12 के बाद रिजल्ट सीजन विल स्टार्ट. तो पूरी फोकस रहेगी अगले 3 महीने में ऑन द बिग मूवी कॉल्ड इलेक्शंस. इलेक्शन में वेदर 350+ 400+ इस पे मार्केट विल गो ऑन टॉकिंग, गो ऑन मेकिंग नॉइज. बहुत सारा शोर होगा एंड पॉसिबली मार्केट विल रिगेन इट्स मोमेंटम अहेड ऑफ द इलेक्शंस. आई एम नॉट सेइंग नो, बट अनदर 2 थिंग्स व्हिच आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड आउट इज दैट जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो हम लोग बोलना भूल गए कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एज फार एज रशिया यूक्रेन गोज, हमास गोज, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट ऑल्सो. एंड मे बी डिस्कस नहीं, मे बी सोचता था नहीं बिकॉज ऑयल वॉज बिनाइन. आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑयल हैज क्रॉस्ड 85. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज कॉरपोरेट इंडिया के प्रोमोटर्स जो है, आई थिंक दे आर सेलिंग देयर स्टेक्स, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, एट द प्रेजेंट हाई वैल्यूएशन एनवायरमेंट. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हाई वैल्यूएशन एनवायरमेंट आता है, सारे कंपनी इशू जो अभी तक पब्लिक इशू लाए नहीं, गाय में आते हैं पब्लिक इशू लाने को, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छी मिलती है. ये हमने काफ़ी टाइम से देखा है. बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द लास्ट 1-4 मंथ्स, क्वाइट अ फ्यू इंडियन प्रोमोटर्स आर सेलिंग द स्टेक और डायल्यूटिंग द स्टेक इन द मार्केट कि हाई वैल्यूएशन मिल रहा है. और एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, व्हेन द डक्स आर क्वैकिंग लर्न टू फीड देम. So the promoters raising money for listing is one part. Listed companies promoters selling is another part because of the high valuation in the market. और इसमें MNCs भी इंक्लूड है. वर्लपूल ने भी छोड़ा मार्केट में शेयर्स. एग्रोटेक ने भी बात की हल्का होने का. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑफकोर्स कैन चेंज ओवर नाइट, बट दिस इज अ थिंग विच आई थिंक समवेयर यू नीड टू हैव कॉशन इन योर माइंड. देर आर पीपल हु ओनिंग द कंपनी, रनिंग द कंपनी, दे फील समवेयर वैल्यूएशन हैव बिकम हाई. So is it the right time for me to put money in those type of stocks? यहाँ पे एक opportunity भी आती है on the other side कि there are companies whose stocks come down sharply in the month of March because of tax planning and other reasons. 10-15-20-25-30% लुढ़क जाते हैं. वहाँ पे आप खड़े हो के अच्छे stocks अगर हो जिसमें valuation defend कर सकते हो, आप खरीदते हो, promise you that in the next 1 month you will get a 10-15-20% upside. Already a process चालू हो चुका है. So while there are not too many triggers for now, taking care of your capital right now for the next 8, 10, 15 days is absolutely important. Ye zarur dhyan rakhiye. I don't think the trend has changed. I still believe that we will make a new high, a big high,
आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट राइट नाउ टेक केयर ऑफ योर कैपिटल, डोंट चैलेंज द मार्केट things right now. If people want to sell ahead of March 31st, they will sell. Your shares will be much lower. You will not like it. So, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Opportunity आएंगे और जब भी opportunity आएंगे, तभी ज़्यादा दड़िएगा मत. Learn to put in money. Market will help you make money. अच्छा मेहरबान, अभी जैसे कि आपने आई थिंक इस प्रश्न के उत्तर में सारे रिस्क, सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया, आई मीन ग्लोबल, इंडियन, सारे, और आपने मार्च का एग्जैक्टली उल्लेख भी कर दिया कि क्यों ये आई थिंक सॉफ्टनेस आई है, और आपने कहा कि अगले 10 दिन में आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है. ये आगे जो जिस प्रकार की इवेंट लाइनअप है, आई थिंक जनरल इलेक्शंस आउटकम, देन बजट, फुल फ्लेड बजट, मार्च के ऑनवर्ड्स जो स्टेबिलिटी की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मतलब फर्स्ट वीक अप्रैल या मई से, उसमें आपकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे प्रेफर्ड क्या होगा? एक एक हल्का सा क्लू तो दे दिया आपने, बट प्रेफर्ड स्पेस क्या होंगे एंट्री करने के लिए? आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन. मैं इतना कहना चाहूंगा कि मार्केट एक तरफ 3-4-5 महीना बढ़ दे सकता है, और ये इलेक्शन भी 3 महीने का है, तो ऊपर नीचे होते रहेगा. ये बात मैं सिंपल क्लैरिफाई करना चाहूंगा. और दूसरा बात कहना चाहूंगा कि एक ही फैक्टर के लिए मार्केट 2 बार नहीं बढ़ सकता. बिफोर इलेक्शन मोदी जी आएंगे 400 पार, 350 पार, और आफ्टर इलेक्शन क्या? सो समवेयर अलोंग द लाइन इवन गुड इन्वेस्टर शुड लर्न टू बी अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट साइटेड ट्रेडर्स. और मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है मार्च में और अर्ली अप्रैल में ये करने के लिए. रही बात माई प्रेफर्ड पिक्स, आई वुड स्टिल गो विद कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टिल रीजनल बैंक्स ऑल्सो, होटल सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर. आई थिंक काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े रिएक्ट हुए हैं, एंड पॉसिबली अनदर 5-10% हियर एंड देयर, एंड दे विल प्रोवाइड फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, कुछ स्टॉक्स मेहरबून जो इस समय आप डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर के साथ इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे यहाँ पर? आई थिंक होटल सेक्टर में आई थिंक स्टॉक्स लाइक ताज जीवीके, आई थिंक सिंक्लेयर्स होटल्स, रॉयल ऑर्किड, दे लुक वेरी गुड. इंफ्रास्ट्रक्चर में आई लाइक अ नेम लाइक श्रीराम पिस्टन्स, और जैसे आपने कहा डिस्क्लोजर क्लियरली दैट व्हाटएवर स्टॉक्स आई एम मेंशनिंग आई एम होल्डिंग इट. अनफॉर्चुनेटली ऑल द स्टॉक्स आर स्टिल नॉट फॉल्टर्ड. अगर करेक्शन आता है आई थिंक दे शुड प्रोवाइड फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट द स्पेस इज वेरी क्लियर. यू हैव टू पॉसिबली गो इन फॉर ऑयल एंड गैस स्टिल ऑन करेक्शन, एनर्जी स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक्स. आई थिंक दिस इज द स्पेस टू बी, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स. तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद था 10-15% नीचे आता है, गो एंड बाय. करोड़ वैश्य पसंद था 10-15 नीचे आता है, तो वी गो एंड बाय इट, बिकॉज वन साइडेड तेजी के बाद पुल बैक वॉज नेसेसरी विच इज हैपनिंग. कैन इट गो अ लिटिल बिट मोर? पॉसिबली येस. विल इट बी हायर देन वेयर इट इज द स्टॉक्स? इफ यू फील द आंसर इज येस, देन लर्न टू गो एंड बाय इट समवेयर. मेहरबून, कोई खास NBFC, आई मीन मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि RBI की 2 NBFCs पर कार्रवाई के बाद NBFC स्पेस में बाजार का कन्विक्शन कम हुआ. इवन द आई थिंक द टॉपेस्ट ऑफ NBFCs, आई मीन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड कर रही हैं. NBFCs बास्केट में अभी आपकी कोई प्रेफर्ड पिक है मेहरबून? ऑनेस्टली नो. आई थिंक NBFC स्टॉक को काफ़ी इंटरेस्ट मिल चुका था, काफ़ी अच्छे बड़े भी थे. आई थिंक दे आर करेक्टेड अ लिटिल बिट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट कन्विक्शन है, ऐसा नहीं कि कन्विक्शन नहीं है, बट मैं कहूँगा नॉट इन अ हरी टू बाय दैट. आई थिंक उसमें आई वुड से दैट MNM फाइनेंशियल वॉज वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट वेंट अप वेरी शार्पली. आई थिंक इट करेक्ट्स अ लिटिल बिट मोर, आई थिंक विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी अगेन. मेहरबून बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच. चलिए थैंक यू. अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं. निफ्टी अब 182 पॉइंट नीचे. सुशील कीड़े जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि क्या करें इस मार्केट में. सुशील गुड मॉर्निंग. थोड़ा ग्लोबल मार्केट से प्रेशर आ रहा है आजकल ऑफ लेट, यहाँ पर कैसे चार्ट बन रहे हैं और क्या एक ग्लोबल करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है आपके हिसाब से? देखिए ग्लोबल करेक्शन की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, ऐसा माहौल पिछले 2 सप्ताह से बना हुआ है. टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न जो S&P का बना हुआ है, अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा पाऊं जिसमें कि अब जो फेड की मीटिंग सर पे आ गई है और सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फाइनली पॉलिटिक्स से गवर्न होती है, इस साल US इलेक्शंस हैं, तो अब वॉल स्ट्रीट जद्दोहद ये है कि फेड 2 कट्स करेगा 1 साल में या 3.
जो टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न देखिए, अगर ये चार्ट पीसीआर शेयर कर पा रहा है, ये जो S&P 500 का टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न अगर नीचे की तरफ रिजॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी घात तक चाल आ सकती है, पर ये हो नहीं रहा है। जो पैटर्न फेल होना शुरू हो गया है तो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन गया। तो जो खतरा बना हुआ था कि ये बड़ा करेक्शन आ जाएगा, वो एक कंसेंसस बन गया था और कंसेंसस से हम डरते हैं। तो आज FOMC की जो बैठक है और कल तक जो नतीजा आ जाएगा, तो कहीं उसमें सरप्राइज नहीं आ जाए और ये ऊपर के साइड का ब्रेकआउट नहीं आ जाए, ये भय अब बिल्कुल रियल है। यहां पर एडर था कि यहां से बड़ा रिवर्सल हो जाएगा, पर वो बना नहीं है। तो अनुज, इस वक्त बहादुरी ज्यादा करने की बजाय कल शाम तक फेड का फैसला सुनने के बाद ही कोई बड़े निर्णायक ट्रेड लेने का मन है। तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? क्या अभी करेक्शन की शुरुआत हो गई और कहां तक जाएगी ये करेक्शन? देखिए, पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, अगर ये नीचे की हरी रेखा टूट जाती है, ये देखिए निफ्टी पर, ये अगर नीचे की हरी रेखा टूट जाती है 21,200 तक की चाल आ जानी चाहिए, ऐसी बात अपनी तकरीबन यहां हुई थी। कल जो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल सा बन रहा था कि शायद यहां से रिवर्सल होके एक बार वापस 22,700 दिखाए और उसके बाद 21,200 का करेक्शन आए, गणना वहां तक थी। आज ये सवेरे अगर लेवल टूट गया है तो पुराने विजडम के हिसाब से तो यहाँ और शॉर्ट हो जाना चाहिए, पर इंट्राडे की चार्ट्स आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ असमंजस बनाया हुआ है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, RSI डाइवर्जेंट है। तो सिर्फ लकीरों के फकीर अगर हम बनेंगे, अनयूजुअल परिस्थिति में यूजुअल सोच को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो मैं हड़बड़ा कर यहाँ और कोई शॉर्ट्स को एक्सपेंड करूँ नहीं, ऊपर से हम शॉर्ट थे, यहाँ पे हमारी बुक बैलेंस्ड हो गई, कुछ आइटम्स लॉन्ग कुछ शॉर्ट, अभी हम उसी को मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से जो पोजीशन है उनकी रिस्क मैनेज करेंगे। इस ब्रेकआउट को, हो सकता है ये जो नीचे का ब्रेकडाउन है, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए और ये पैटर्न बदल जाए। तो एकदम से अनुज, फेड के बीच में जैसी US की चार्ट्स में विचित्रता बनी हुई है, उनको देखते हुए सिर्फ निफ्टी के लेवल्स देख करके बेच देने का मन नहीं होता। सुशील जी, निफ्टी IT पर आपका व्यू और उसको देखते हुए जो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे पेन है, लार्ज कैप IT या मिड कैप IT में कुछ कैंडिडेट्स, आपके लॉन्ग शॉर्ट, आपका व्यू इस वक्त IT पर? देखिए, लार्ज कैप IT ओवरसोल्ड प्रतीत हो रहा है और अगर निफ्टी में रिबाउंड बन जाता है, तो आज तो टूटी गया एक बार, तो सारी बेट्स सस्पेंडेड है शाम तक का फेड का फैसला देखने के लिए, पर अगर यहां से कोई रिबाउंड बन जाता है, अगर बन जाता है निफ्टी में, और वापस निफ्टी अगर 22,700 तक चलती है, तो मेरे बेस्ट बेट्स होंगे टेक महिंद्रा, इंफोसिस और कुछ हद तक विप्रो। पर अगर ये रिबाउंड नहीं बनता है तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो अगर कल से रिबाउंड बनना शुरू हुआ तो मैं तब ये टॉप 3 IT मेजर्स में लॉन्ग बेट्स इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए, अभी फेड के निर्णय पे बहुत कुछ निर्भर करेगा और बाकी 3 टॉप IT बेट्स बताई दिए हैं सुशील जी ने आपको। एक स्पेस और जहां पे अर्निंग्स के दौरान एक प्राइस डैमेज आया था ओबरा रियल्टी में, लेकिन अब ये पेन धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, DLF को देखिए, इन तीनों स्टॉक्स पे आपका व्यू इस वक्त, रियल स्टेट पे क्या व्यू है? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट पे तो एक बाय सिग्नल ट्रिगर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज की फ्यूचर्स पे बाय सिग्नल ट्रिगर हो रहा है, ये देखिए ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस है, और अगर ये रिबाउंड बन जाता है, हमारा तो खैर यहाँ बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ था, वापस यहाँ स्टॉप लॉस लग गया एक बार, और अगर ये बाजार में ओवरऑल रिबाउंड डेवलप हो जाता है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट में एक नया हाई आ जाए और ये 2600 तक उछल जाए, इसकी संभावना बहुत है। सिर्फ आज एक लेवल टूट गया प्रायर लेवल को, तो देख के नहीं मैं बेचूंगा, मोमेंटम का भी लेवल टूटना चाहिए, दोनों एग्रीमेंट में होने चाहिए। तो थोड़ा सा विस्मय की परिस्थिति है, कल से अगर बाजार घूम जाता है तो IT स्टॉक्स के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक बाई होगा। DLF की चार्ट थोड़ा सा समझ आना कठिन हो गई है इस वक्त, आप ये देखो DLF की चार्ट भी जो है, एक बार ओवरसोल्ड हो गया इंट्राडे में आवरली टाइम फ्रेम पे, पर ये जिस तरह का डाइवर्जेंस है मोमेंटम में, मुझे नहीं महसूस हो रहा कि DLF नया हाई बना पाएगा कि नहीं। अगर यहां से हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको लिया, ओवरऑल बाजार घूम गया तो इसको लेने की अगर सोचे, तो उसका एग्जिट स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
तो डीएलएफ से बेहतर चार्ट गॉडरेज प्रॉपर्टीज की रहेगी ओवरऑल मार्केट रिबाउंड में तेजी का सौदा पकड़ने के लिए। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत ताबड़तोड़ बिकवाली हो रही है सुशील। ऑब्वियसली वो प्राइस कट एक ट्रिगर था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेंट भी एकदम से 87 पर आ गया, अब क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए? ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो पैसा शॉर्ट करके बन रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या व्यू बन रहा है एचपीसीएल बीपीसीएल में? अनुज, इस वक्त तो ठीक है, बेचने वाले की जीत है, और क्रूड भी जो उछल गया ऊपर की तरफ, तो एक प्याज का छिलका अगर बढ़ गया तब भी वो रहेगा प्याज ही, वो पत्ता गोभी नहीं बनेगा। तो जो चार्ट के स्ट्रक्चर से क्रूड ऑयल में, वो सिर्फ एक रैली के हैं, और रैली का एक चरण और आ गया, तो इसमें भी एक दो दिन का असमंजस है जो इंतजार करना होगा। अभी भी मेरी थीसिस यही है कि क्रूड में यहां से कोई सिग्निफिकेंट बढ़त ना होके वापस इसको $20 डूबने की चार्ट बन जाए, उसका कंफर्मेशन एक दो दिन बाद आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऑलरेडी एचपीसीएल बीपीसीएल आईओएल, इनके सबके फ्यूचर्स जो है माउथ वाटरिंग लेवल्स पे हैं, और गिरते चाकू को पकड़ के बहादुरी करने के बजाय एक दो दिन रुक करके ₹10 ऊपर लेना उचित होगा। इनमें मूवमेंट आ सकती है ऊपर की बड़ी, पर वो कंफर्मेशन के लिए एक दो दिन इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, दो तीन स्टॉक्स जहां बहुत शानदार मोमेंटम रहे हैं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इवन आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, क्या ये स्पेस अभी भी गो टू पॉकेट रहेगी लॉन्ग्स के लिए? देखिए, ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स को छोड़ के बाकी का सारा भारी हो चुका है। एक नया हाई टाटा मोटर्स में मैं रूल आउट नहीं कर सकता, और उसकी चाल कदाच शुरू हो चुकी है। बाकी के कोई भी ऑटो स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कि वो न्यू हाईस को क्रॉस करेंगे। बाकी के ऑटो स्टॉक्स लोअर टॉप की तरफ ही बढ़ेंगे, और एक राउंड शॉर्टिंग का अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर गया, और वापस अगर रीबाउंड आता है तो पिछले हाई से 30-40 रुपया नीचे वापस क्या पता शॉर्ट सेल सिग्नल मिल जाएगा। और मारुति देखिए, वैसे तो लेवल बढ़ रहे हैं 6 महीने में, पर लगातार उसके जो नीचे के भी जो स्तर आते हैं वो नए स्तर आ जाते हैं, एक्सपेंडिंग रेंज है। तो हम मारुति में जो निर्णय ले चुके हैं कि इसमें कुछ भी हो जाए हमें तेजी का सौदा नहीं करना, जब जब सेल सिग्नल आएगा हम वो करेंगे। तो ऑटोज में मेरी बेस्ट बेट, अगर निफ्टी वापस 22,700 की तरफ बढ़ती है तो एक अंतिम बड़ा उछाल टाटा मोटर्स में, और उसके बाद जब भी मार्केट एक सस्टेन 3 से 6 महीने की करेक्शन में जाएगा, किसी पॉइंट पर तो जाएगा, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोज अब बहुत डेंजरस स्पेस हो गया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टाटा मोटर्स एक नया हाई दे सकता है, उसके बाद अगर 3-6 महीने में टाटा मोटर्स भी 25% घट जाए और बाकी के ऑटो स्टॉक्स 30% घट जाए, 40% घट जाए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अंतिम चरण है ऑटो का, और बिल्कुल लास्ट लास्ट तक की दौड़ को पकड़ना, भागते भूत की लंगोट पकड़ना इन्वेस्टर्स के लिए समझदारी का काम नहीं। अच्छा सुशील जी, फार्मा पे आपका व्यू क्या है? पिछले 4 एक सेशन से फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सीरियस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फार्मा में आपका व्यू, कोई खास कैंडिडेट्स जिसको आप चेज मतलब लॉन्ग या फिर शॉर्ट करने के मन बना के बैठे हैं? तो फार्मा में देखिए कई प्रकार के स्टॉक्स हैं, तो जो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स जिन पर डिलीवरी 22 है कि 6 महीने साल भर के व्यू से अभी भी, उनको छेड़ने का मुझे तात्पर्य नहीं दिखता। ओवरऑल निफ्टी में 5% करेक्शन आएगा और ये छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स 10% करेक्ट कर जाएंगे, पर अपसाइड उनमें 30-40-50% का अभी भी है 6 महीने की अवधि में आप देखें तो। बड़े वाले जो फार्मा है वो एक अलग ही कॉन्टिनेंट है, जिसमें सिप्ला ने एक ताबड़तोड़ शॉर्ट सेल का सिग्नल आया, सेल को प्रॉपरली वर्कआउट हो गया और कोलैप्स आ रहा है सिप्ला में। ठीक है, वापस रिबाउंड पे फिर बेचिएगा, और ट्रेडिंग के गेम्स अलग हैं। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज भी हम उसी तरह इंतजार में रहेंगे, शॉर्ट सेल सिग्नल आएगा तो बेचेंगे, अगर उसमें कोई 2-3% बढ़ भी जाता है तो वहां हमने तेजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। लार्ज कैप फार्माज हमें बेच बेच के लेना है, और जो स्मॉलर फार्माज हैं उनमें अभी भी बहुत जूस, अभी भी बहुत मलाई है जिनको हम पकड़ कर। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। लेकिन आज एक ट्रेंड डे की तैयारी हो रही है मार्केट में, अब निफ्टी 200 पॉइंट नीचे और मिड कैप देखिए आप 550 पॉइंट नीचे। एग्जैक्टली यही वार्निंग थी सुबह हमारी आज मार्केट को लेकर, कि आज थोड़ी सी फीलिंग आ रही है मार्केट में करेक्शन वाली। चलिए अब शो को समाप्त करेंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर नीरज जी आ गए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, सुबह अपनी जब चर्चा हो रही थी आपने एक लेवल बताया था कि ये नहीं टूटना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो तो टूट गया, टूट गया 2100। अब कहाँ
21800 पर एक छोटा सपोर्ट है 50 डेमा, वरना वैसे लेकिन ये करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ये 21400 21500 पर अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, वरना एक करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद हमेशा करेक्शन आता है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ से भी स्मॉल कैप लेने की जल्दी ना करें, जब हाँ अभी वेट करें, जब वो सवाल ये आना शुरू हो जाएगा ना कि क्या बेचना है इंस्टेड ऑफ क्या लेना है, तब मार्केट को लेना है आपको, उससे पहले नहीं लेना। तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है इस समय कि मुझे ये बहुत नीचे मिल रहा है चलो ले लेते हैं, अभी रुक जाइए, मार्केट सेटल होने दीजिए पहले, एक बार डायरेक्शन तय हो जाए उसके बाद लेना है आपको। देखिए क्या गजब का चिमटा बना है, वो हरा और लाल एकदम बढ़िया क्रॉस बन गया, ये देखिए, तो यानी एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। खैर एनीवे बहुत सारे आपके सवाल होंगे जो आज के लिए हैं तात्कालिक तौर पर, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।